हे हाय गाइस, आई एम जेसिका। आज मैं आई हूँ यहाँ पे आपको बताने कि मैं बनाने जा रही हूँ पेट्स के लिए मीट। सो चाहती हूँ आप भी देखें और सीखें। अगर आपको नहीं आता है, अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपको नहीं पता कि मीट कैसे बनता है, आज आपको बताऊँगी। सो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए, पूरा वीडियो देखना ना भूलिए। सो गाइस, इस तरह से मैंने 5 लीटर का एक बड़ा कुकर ले लिया है, देख सकते हैं। और इस कुकर में मैं फिलहाल डालूंगी पानी। और इसमें मैं डालूंगी पिंच ऑफ हल्दी। टर्मरिक इसलिए होता है ताकि आपके पेट्स को कोई हेल्थ इश्यूज ना आ सके। थोड़ा सा एंटीबायोटिक का काम कर देगा ये। और अब मैं इसमें डालूंगी इस तरह से मिक्स वेजिटेबल्स, इस तरह से मैंने मिक्स वेजिटेबल्स ऐड कर दी है। ये मिक्स वेजिटेबल्स मैंने इसलिए डाली ताकि हम अपने पेट्स को एक हेल्दी फूड दे सकें। इसमें सारी ही चीज़ें आपको एक लिमिट क्वांटिटी में मिलती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जो हम सोचें कि ये डाल सकते हैं कि नहीं। आप इस तरह से एक मिक्स वेज का पैकेट ले लीजिए एंड यू कैन ऑफर टू योर बेबी पेट। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द जुराबियन चिकन। आई फील जुराबियन चिकन इज़ राइट फॉर माई पेट बिकॉज द क्वालिटी वाइज दे आर वेरी गुड। सो आई यूजली यूज जुराबियन ओनली फॉर माई पेट्स। And I'm just adding now the Arabian chicken. So now I added everything in one big cooker and मैं इसमें से थोड़ा सा पीस ये जो मेरे पास किटी आया है उसको दूंगी। पीस टू दिस लिटिल किटी, दे लव टू ईट रॉ ओनली बिकॉज दे आर स्ट्रे। आपको बस ये कुकर का ढक्कन ये लगा देना है। आई हैव वन मोर छोटा किटी हियर नियमी, मैं सोचा इसके लिए भी थोड़ा सा पीस निकाल। सी दिस छोटा किटी, ओके स्टार्ट टू पुट द लिड एंड मैं इसको सिर्फ अब स्टार्ट कर दूंगी। मैं इसको रखूंगी 2000 पे ताकि बहुत जल्दी कुक हो जाता है, तो मुझे फिर भी 3-4 सीटीज तो इसको दिलवानी है। डोंट फाइट अ, डोंट फाइट। सो जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने बनाया चिकन फॉर माई पेट्स। सो मेरे पास है 6 पेट, 6 अडल्ट डॉग है मेरे पास और 2-3 छोटे छोटे पपीज भी हैं। सो उन सबके लिए मैंने बनाया है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 kg चिकन एंड राइस ऑल्सो। राइस पहले से ही बन के रेडी है। आई यूजली यूज रेड राइस फॉर माई पेट्स जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। एंड जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने चिकन के अंदर मिक्स वेज डाली, थोड़ा सा टर्मरिक डाला, वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। अगर आप पेट फूड नहीं देना चाहते हैं, अगर आप घर का खाना खिलाना चाहते हैं तो ये खिलाइए। दिस विल बी द वेरी गुड ऑप्शन फॉर योर बेबी पेट एंड वो हेल्दी भी बहुत रहेंगे और अच्छी लाइफ जिएंगे। अगर आप कुछ भी उनको अनहेल्दी खिलाते हैं तो उनसे उनकी लाइफ के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है। सो बेटर है आप उन्हें होम कुक फूड खिलाइए जो कि उनको एक अच्छी हेल्दी लाइफ देगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और अगर आपके पास कुछ क्वेरी है तो यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप अस ऑन आवर व्हाट्सएप गिवन नंबर जो कि आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। एंड गाइज, यस, हमें एक ही चीज चाहिए, हमारे भारत, हमारे वर्ल्ड का हर एक पेट हेल्दी चाहिए। दैट्स इट, लव यू ऑल,
गाइस, ये था पेट डेस्टिनेशन। मैं हूं जेसिका, बस आपसे अलविदा चाहूंगी और जल्दी मिलूंगी किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। लव यू ऑल।